हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बिहार और झारखंड की जनता को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देके बहुत बड़ी सौगात दी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन 18 भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 2018 में तैयार कर लेना था। और ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशनड है, और इसके दरवाजे जो हैं, गेट है, ये ऑटोमेटिक है। और दोस्तों, इसमें अंदर में आपको वाईफाई भी मिलेगा, और बहुत सारे सुविधाएं आपको अंदर में मिलेगा ट्रेन के अंदर में। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए तो दोस्तों, पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था न्यू दिल्ली टू वाराणसी। और दोस्तों, ये 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, और स्पीड की बात की जाए कि कौन सा सबसे तेज ट्रेन है भारत में, तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर राजधानी और जन शताब्दी एक्सप्रेस की बात की जाए तो दोस्तों, वो ट्रेन की 130 से 150 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना अचीव करना बाकी ट्रेन के लिए नामुमकिन जैसा है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें और क्या है। देखिए दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से लग्जरियस है। आपको अंदर में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेगी दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। बाकी ट्रेन में दोस्तों इस तरह की सुविधाएं मिलना मुश्किल है। और देखिए दोस्तों, करीब इंडियन रेलवे के हिसाब से करीब अगले 3 से 4 साल में 900 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च करने की योजना है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन ही भरा पड़ा है और लोकल ट्रेन है। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने से दोस्तों, लोगों के लिए काफ़ी सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी दोस्तों, और आने जाने की सहूलियत हो जाएगी। तो दोस्तों, यही है आज की इस वीडियो में। और अगले वीडियो में दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।